क्लास आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, इसको हम बोल सकते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्यों इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम डिस्कवर्ड बाई जे जे टॉम्सन एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। उसके लिए उन्होंने क्या किया था, एक हार्ड ग्लास का ट्यूब लिया था। उस ट्यूब में इन्होंने दो इलेक्ट्रोड लगाए थे, एक कैथोड, इसको इन्होंने कैथोड माना था, और इसको इन्होंने एनोड माना था। ठीक है, इस एनोड को और कैथोड इलेक्ट्रोड को इन्होंने क्या किया था, एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अब होता क्या था, इसकी जो ये ट्यूब की जो लेंथ थी, ये आपकी लेंथ अबाउट कितनी थी, लेंथ अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, और ये जो बैटरी इन्होंने कनेक्ट की थी, ये आपकी थी हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी। ठीक है, आप जब इन्होंने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो था वो ऊपर जाने लगा। उसके लिए ये क्या था, हमारे ने जो ग्लास रॉड लिया था या ग्लास ट्यूब लिया था, ये क्या था, ये क्लोज्ड था। उसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा दिया था, जो यहाँ से प्रेशर निकलता उस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या लगाया था, वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए वैक्यूम पंप लगाया, जब हाई वोल्टेज की बैटरी इसमें अप्लाई किया, ठीक है, वो कितना वोल्टेज अराउंड इन्होंने कितना ले लिया था, ठीक है, 10,000 वोल्टेज। ठीक है, और जो जैसे ही इन्होंने हाई वोल्टेज की बैटरी इसमें फ्लो कराई, तो क्या हुआ, इसके प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए ये जो पंप था, पंप ने इस ग्लास रॉड में जो प्रेशर था उसको रिड्यूस किया, और वो जो प्रेशर लगाया वो कितना था हमारा, 10^-4 एटीएम। ठीक, अब होता क्या है बेटा, जैसे ही इन्होंने हाई वोल्टेज बैटरी यहाँ पे लगाई, तो जो रेस थी वो क्या हो गई, कि रेस हमारी कैथोड से एनोड की तरफ गई। यहाँ से ये जो रेस निकली, ये हाई वोल्टेज बैटरी से, तो ये जो रेस थी ये कैथोड से एनोड की तरफ गई। ठीक है, एनोड की तरफ गई, तो यहाँ से ये रेस पास होने लगी। अब रेस क्या है, रेस हमें क्या थी, इनविजिबल थी। तो उन्होंने क्या किया कि जब रेस पास होने लगी, तो देखा तो था नहीं कि रेस पास हो रही है कि नहीं पास हो रही है, तो रेस यहाँ से पास हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए इन्होंने यहाँ इस एरिया में जिंक सल्फाइड की एक कोडिंग कर दी। किसकी कोडिंग कर दी, जिंक सल्फाइड की। अब ये रेज इनविजिबल थी, जब ये रेज यहाँ कैथोड से एनोड की तरफ पास हुई, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, जिंक सल्फाइड की जो प्लेट थी वो क्या करने लगी, वो ग्लो करने लगी। ठीक है, इससे पता चला कि ये जो रेज है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है, अब इस रेज कि चार्ज को चेक करना था। अभी तक तो हमें ये सिर्फ पता चला कि रेस क्या है, रेस कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, लेकिन इस रेस का कुछ अपना पर्टिकुलर चार्ज होगा। तो उस चार्ज के लिए इन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर एरिया पे एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। कैसा इलेक्ट्रोड लगाया इन्होंने, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया। तो जैसे ही पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया, ये रेस अब इधर ना जा करके इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होने लगी, इस कैथोड की तरफ क्या होने लगी, इस इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड ने इलेक्ट्रोड की तरफ ही डिफ्लेक्ट होने लगी। इससे क्या प्रूव हुआ, पहले पहले जब जिंक सल्फाइड लगाया, तो इसे ये प्रूव हुआ कि रेज क्या हो रही है, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है,
चार्जेस देखने के लिए क्या किया इन्होंने, इलेक्ट्रोड लगाया, तो ये जो रेस थी ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगी। इसका मतलब इस रेस पे जो चार्ज आया होगा वो नेगेटिव है। ठीक है, अब इसका नेचर जानने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेटल ऑब्जेक्ट, एक मेटल ऑब्जेक्ट, अब इस रेस का नेचर जानने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक मेटल ऑब्जेक्ट रख दिया, एक हार्ड मेटल ऑब्जेक्ट रख दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि मेटल ऑब्जेक्ट रखने पर इसकी एकदम शार्प शेडो, मेटल की शार्प शेडो इधर मिल रही थी। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये जो रेज है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। अब उन्होंने यहाँ पे एक पैडल लगा लिया, पैडल कैसे लगाया, पंखे जैसा होता नहीं पैडल, वो पैडल लगाया ताकि अगर रेस टकराए तो पैडल मूव करने लगे। तो इससे प्रूव किया कि कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल। ठीक है, अभी तक आपने क्या पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में उन्होंने एक ग्लास रॉड लिया था, दो इलेक्ट्रोड लगाए कैथोड और एनोड, इसको एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इसके प्रेशर को, इस रॉड के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया, जिसका प्रेशर इन्होंने कितना रखा था, 10^-4 atm, वोल्टेज कितना रखा, 10,000। अब हुआ क्या, जब इन्होंने बैटरी मतलब वोल्टेज स्टार्ट किया तो रेस जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाने लगा। अब रेस कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही, क्योंकि रेस तो इनविजिबल थे, उसके लिए इन्होंने यहाँ जिंक सल्फाइड की क्या लगा दी थी, कोटिंग कर दी थी। उस जैसे ही रेस यहाँ टकराई ये क्या करने लगी, ग्लो। ये तो रेस का हो गया कि रेस कन्फर्म कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि देखा कि वो कैथोड हमारा पर्टिकुलर कैथोड हमारा ये जो रेज आ रही है उसका नेचर क्या है, वो पॉजिटिव साइन रख रहा है कि नेगेटिव, उसके लिए इन्होंने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रखा। तो जैसे ही पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रखा, रेज अब क्या होने लगी, इधर डिफ्लेक्ट होने लगी। इसका मतलब क्या है कि अगर वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो रेज में कुछ ना कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब नेगेटिव चार्ज होगा उसका। फिर उन्होंने देखा कि क्या रेज स्ट्रेट लाइन में चल रही है कि नहीं, उसके लिए इन्होंने यहाँ एक मेटल रख दिया और देखा कि मेटल की शार्प शेडो पीछे मिल रही थी। इससे प्रूव हुआ कि जो रेज निकल के आ रही है कैथोड से एनोड की तरफ वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या चेक किया था, इसके बाद इन्होंने चेक किया कि ये रेज कैसा पार्टिकल है। तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक पैडल लगाया और जैसे ही रेज को पास किया तो पैडल क्या करने लगा, मूव करने लगा। इससे पता चला कि जो कैथोड रेज है वो मटेरियल पार्टिकल है।